नहीं है ना, अगर आपसे कोई बोले कि भाई ये मोबाइल काम छोड़ के मेरे यहाँ जॉब कर लो या कुछ कर लो तो कर लोगे ऐसा? कहाँ से हो आप? उड़ीसा से हो। तो मुझे ये बताओ कि दिक्कत कहाँ हो रही थी आपको? दिक्कत एक्चुअली सर, मैं दुकान पे काम करता था लेकिन हाँ। मेरे को डबल डेकर रेसिपी के बारे में नॉलेज नहीं था हाँ। कैसे निकालना, कैसे मंगाना, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और उसके आईसी के प्रोग्रामिंग करना, ये चीज़ मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा। जैसे फिरोज सर के वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कई बार उनका भी देखता था, जब भी जरूरत होगा मैं उनका ही फॉलो करता था। तो मुझे लगा थोड़ा सीखना है, बहुत ज़्यादा सीखना है। मैं जितना करता हूँ उतना काफ़ी नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ मतलब बात करके आना पड़ा मेरे को। तो यहाँ पे आने के बाद सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ ही पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था आता बहुत कुछ, मेरे से कोई सीखने पर मतलब ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो मतलब अब आपको ये महसूस हो रहा होगा कि मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे? जी सर, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को कुछ पता ही नहीं था यहाँ पे। इतना चीज़ जो कि इतना मतलब ईजी से होता है सब कुछ, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर। तो मतलब जैसे ही कस्टमर का फोन आया आपसे बनानी, आप उसे वापसी देते होंगे, तो अब वो ही फोन चाहे तो कई बार ऐसा होगा आपके एड्रेस पर। मैं भुवनेश्वर सिटी में रहता हूँ, वहाँ पे ज़्यादातर लोग इतना नहीं बनाते डबल डेकर का। जितना मतलब चलता मार्केट है उतना तो हो जाता मार्केट में, मतलब जो नॉर्मली होता था। लेकिन मेरे को ज़्यादा था जैसे डबल डेकर का ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, सैमसंग कोई चीज़ मेरे को सीखना था ज़्यादा, मतलब कोई मार्केट में था ही नहीं तो मेरे को सीखना जरूरी है। इसलिए मैंने सर का वीडियो देखा, तो मेरे भाई की दुकान पे बैठते उन्होंने मेरे को तो ठीक है तू जा, तो वहाँ पे सीख के आ जा थोड़ा बहुत। सही है, मतलब थोड़ा बहुत क्या सर, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भी सीखने मिलिया मेरे को, इसलिए बहुत अच्छा लगता सर यहाँ पर। तो कई बार देखो ऐसा होता है कि हमारी दुकान पर कोई ग्राहक आया और वो फ़ोन हमसे नहीं बना, हम ये सोचते रहते हैं कि ठीक है नहीं बना तो कोई बात नहीं, पर बना तो क्यों नहीं बना? होता है ना ऐसा कि क्यों नहीं बना, फिर मैं इस फोन के अंदर क्या करूं कि इस फोन को बना पाऊं? सागर सर ऐसा होता है ना कई बार, और वो ये सोचते हैं कि मैं कहां जाऊं काम सीखने के लिए कि जो मैं सीख जाऊं और मेरा जाना खराब ना हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग वाग भैया कहीं जाते हैं और वो अपना एक महीना या पैसा वेस्ट करके आ जाते हैं और उनसे कुछ होता नहीं है, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि सारा मेरे को मोबाइल का काम नहीं करना या मेरा पैसा बर्बाद हो गया या ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी वीडियो बनाई है, आपको बताया कि भाई मोबाइल की लाइन में जो पैसा आना वो कहीं भी नहीं है। अगर किसी भाई ने मोबाइल का काम कर लिया, चाहे वो हार्डवेयर का चाहे सॉफ्टवेयर का, तो वो कभी भी ना तो किसी की जॉब कर सकता और ना कोई दूसरा काम कर, वो मोबाइल के काम को जब ही छोड़ सकता है कि इससे मोटा पैसा उसे और किसी जॉब में मिल जाए, ये काम तो छोड़ ही नहीं सकता। ऐसा ही है ना, अगर आपसे कोई बोले कि भाई ये मोबाइल काम छोड़ के मेरे यहाँ जॉब कर लो या कुछ कर लो तो कर लोगे ऐसा? नहीं सर, इसका तो बिल्कुल के ना सर, मैं कंपनी में काम करके अच्छा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, सब कुछ तो अवेलेबल रहता है लेकिन रूल रेगुलेशन के हिसाब से होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे बाहर आओ दुकान पे बैठो, कस्टमर का नया नया फल फाइंडिंग आता है, वो चीज़ ना यहाँ पे होता ही नहीं था, दिमाग में घुसता नहीं था क्या आ गया, लेकिन क्या आ गया वहाँ पे एक रूल के हिसाब से ये चीज़ करना असेंबली जैसे होता है, हमारे हाथ बंधे होते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वैसा ही होता था। लेकिन यहाँ पे जब से आया हूँ फिर सर से मैंने थियोरी क्लास लिया, लेकिन जो उसके बारे में जो डायग्राम के बारे में वो थोड़ा ज़्यादा नॉलेज भी हो गया, उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा लगा भाई। हमें खुद चुल होती है इन चीज़ों की कि यार हम ये काम करना है तो कैसे करना, आगे अपडेट भी तो रहना। मान लो ठीक है अभी तक आप देख रहे होंगे कि 2 साल पहले तक 3 साल पहले तक 3G था, 3G खत्म है, 4G आ गया, 4G है, 4G भी अब लास्ट उस पे ही चल रहा स्टेज पे, अब 5G हो गया कंटिन्यू, अगली साल शायद 6G आ जाए। तो बस यही है ना कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। देखो अभी तक हम क्या देखते थे कि बैटरी 2 पिन 3 पिन की आती थी, फिर 2 पिन की होगी, फिर खांचे वाली होगी, है ना। अब बैटरी के अंदर 2 कनेक्टर आ चुके हैं, ऐसे हो गए हैं, मतलब अब बहुत सारी चीज बदल रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से हर किसी को अपडेट होना पड़ता है। अब हमारे पास एक फोन है, एक फोन कितना चलता है, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद फिर दूसरा लेना पड़ता है क्योंकि उसमें फ्यूचर आ गए हैं, कुछ ऐसी चीज है। तो हर चीज को अपडेट और अपने आप को अपडेट और की चीजों को भी अपडेट करना चाहिए। तो भाई सीखना जरूरी है, कहीं ना कहीं से जहां आपका मन करे वहां करो। और भैया अच्छी नॉलेज लेनी है तो फोन फिक्स हैदराबाद आ जाओ, ये सारी चीजें यहाँ पे बेटर बताते हैं और सारी चीजें समझाते हैं। ठीक है सर, आप ये बताना चाहो ब्लैक पेशेंट का जो हार्ड ग्लू होता इसको कैसा क्लीन करना, प्रॉपरली कैसा वर्क करना? तो यहाँ देखेंगे अपन, वीवो के अंदर
ज़्यादा हार्ड ग्लू आ रहा था, मगर इसको करना बहुत ईजी है, इसको क्लीनिंग करना भी बहुत ईजी है। तो यहाँ देखेंगे क्वालकॉम का 4350 का एक सीपीयू है, तो साइड लू काटने के लिए अपन यूज़ करेंगे एक 260 का हीट और 15 एयर, खाली हल्का सा इसका साइड लू को साफ करेंगे। सीपीयू को रिमूव करने के लिए 370 का हीट यूज करेंगे और 20 हेयर यूज करेंगे। जस्ट हल्का सा आपको घुमाना है सीपीयू को प्रॉपरली राउंडली। इसमें कोई पेस्ट डालने का कोई रिक्वेस्टमेंट नहीं है, ताकि ये ऑलरेडी पेस्टेड ऐसे रहता। जस्ट हल्का से इसको हीट करना है और नाजिल का डिस्टेंस बहुत कम यूज करना है आपको। जैसा आपको हल्का सा बॉल्स निकले गया दिख गया तो सीपीयू को आप आराम से लिफ्ट कर ले सकते हैं। राउंडली प्रॉपरली सीपीयू जितना दूर है उतना दूर आराम से आपको हीट करना है। हल्का सा कोशिश करना है इसके एसी के अंदर इन करने के लिए, खाली जस्ट जा रहा है तो इसको टोटली इन कर देना, अगर नहीं जा रहा है तो फोर्सफुली वर्क नहीं करना है। अगर फोर्सफुली आप काम कर रहे हैं तो ये ट्रैक्स डैमेज करके निकल जाता आपको। बहुत ही इजीली ये जैसा ये रिमूव हो गया तो फर्स्ट करना है आपको बोर्ड क्लीन करना है। हल्का सा पेस्ट लगा देंगे यहाँ बोर्ड क्लीनिंग के लिए। उसके बाद आयरन से लेके नॉर्मल वाला लेड को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। जैसा आप नॉर्मल वाला लेड को मिक्स कर दिए, उसके बाद यूज़ करना है आपको डिसोल्डर से लेके इसको क्लीन कर लेना है। सारा बल्ब के ऊपर टचअप कर लेते जाना और डिसोल्डर को सारा प्रेशर नहीं देना, खाली हल्का सा घुमा देना ताकि बल्ब के ऊपर जो भी ग्लू है
उसको कीन सके। इस तरफ का हो गया अपना, जैसा इसका क्लीनिंग हो गया अपने को, हल्का से इसको क्लीन कर लेंगे। उसके बाद आपको यूज़ करना है ब्लेड हैंडल यूज़ करना है, और ब्लेड हैंडल के साथ जो अपन साइड ग्लू काटने के लिए यूज़ करें उतना ही हीट के साथ इसका ग्लू को आप बहुत इजीली साफ कर सकते हैं। एक जहाँ दिख रहा है अपने को बीच में यहाँ ग्लू, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, जस्ट हल्का सा लेके जैसा ये बोर्ड ज़्यादा हीटिंग के अंदर आ गया तो आपका ब्लेड का स्पीड आप बढ़ा सकते हैं ताकि नीचे का पॉइंट मेल्ट हो जाता है, तब इसका स्पीड बढ़ा के भी आप चला सकते हैं। अभी तो मैं हीट कम के अंदर काम कर रहा हूँ, नॉर्मली 260 के अंदर, तो ये धीरे से ही मेल्ट हो जाएगा। जैसा अभी मेरा नीचे का पॉइंट मेल्टिंग के अंदर आया तो मेरा ब्लेड का स्पीड जो है यहाँ बढ़ गया। यहाँ से लेके एडजस्ट प्रॉपरली क्लीन कर लेना है ताकि आपको आईसी फिर से बिठाना है। अगर एडजस्ट प्रॉपरली क्लीन नहीं करे तो आईसी प्रॉपरली बैठेगा भी नहीं। फिफ्टी टू 60% क्लीनिंग हो गया तो उसके बाद यहाँ पेस्ट लगा लेंगे। जैसा पेस्ट लगाए, वन राउंड इसको डिसऑर्डर कर लेंगे। हल्का पुल्का जो भी ग्लू है इसके साथ आपको प्रॉपरली क्लीन हो जाता। सब बोर्ड अपना क्लीन हो गया तो एक बार फिनिशिंग कर लेंगे इसको प्रॉपरली, और चेक करेंगे सारा ट्रैक ओके, अगर कोई ट्रैक अपना डैमेज है
अभी अपना बोर्ड क्लीनिंग प्रोसेस हो गया और उसके बाद नेक्स्ट क्लीन करेंगे अपन आईसी को क्लीन करेंगे। आईसी को भी सेम सिस्टम है, हल्का सा पेस्ट लगा देंगे। और नॉर्मल वाला लेड को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। नॉर्मल वाला लेड को इसके अंदर मिक्स कर दिए सारा। आप स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करो तो बहुत इजीली आपको ब्लैक पेस्टेड क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद डिसोल्जर से काम करेंगे एक राउंड। बहुत हार्डली काम नहीं करना है, खाली हल्का सा घुमा देना ताकि ऊपर का जो है बॉल्स के ऊपर का लेड निकल गया तो ठीक है। जैसा इसको घुमा दिए उसके बाद करना है अपने को जस्ट आईसी को क्लीन करना है। एक तरफ का कंप्लीट हो गया तो साइड कर लेंगे। सारा एडजस्ट कर लेंगे एक बार। इतना क्लीनिंग हो गया तो ठीक है। उसके बाद जो है हल्का सा पेस्ट को अप्लाई करो, आप जस्ट डिसऑर्डर कर दो इसका सारा जो है हल्का फुल्का जो भी ग्लू बचा हुआ है वो सारा आपको निकल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सीपीयू अपना प्रॉपरली क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और जैसा ये क्लीनिंग हो गया इसको रिबॉल कर देंगे।
थोड़ा खोलो ना तो। कैसे हो आप? घर पे सब ठीक ठाक? ठीक ठाक। तो ये बताओ पहले आप कितने टाइम से काम कर रहे थे? और 2-3 साल से काम कर रहा हूँ मैंने। अच्छा, तो कहाँ दिक्कत हो रही थी आपको? मैं तो फॉल फाइनिंग नहीं कर पाता, छोटा मोटा काम कर रहा था पहले और मेरे क्लियर हो गया। तो आईसी का काम मालूम नहीं था मेरे को, इधर आके आईसी का काम क्लियर कर देता हूँ। आईसी का काम? तो अब जैसे अब मान लो अगर सर कोई मदरबोर्ड है तो आईसी निकाल के लगा दोगे दोबारा से? तो मतलब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है किस चीज़ में होती है आपको? वो जो फॉल्ट फाइंडिंग है ना, जो आप फाइंड नहीं कर सकता ना, जो भी मोबाइल को आके रिटर्न जाता है दुकान से। अच्छा, वो अच्छा नहीं लगता मेरे को। इसके लिए मैं वीडियो देखा ही देता है, मेरे को अभी क्लियर इजी में वो सब कर लेता हूँ। इजी हो रहा सारा कुछ? चलो ठीक है, आप बैठो। कैसे हो आप? ठीक है। घर पे सब ठीक है? हाँ सर। तो कितने टाइम से पहले आप काम कर रहे हैं? 7 साल से। 5 साल से। एक इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा सभी को जो भी देख रहा हो, 5 साल बहुत एक लंबा टाइम होता है भाई। 5 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद में नई नई टेक्नोलॉजी आती है और आदमी को अपडेट होना पड़ता है। तो जो भाई ऐसे हैं कुछ जो 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से लगे पड़े और वो सोचते हैं कि काम जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसे काम नहीं चलेगा आगे। अभी आप देख रहे होंगे कि 4G है, 4G के बाद अब 5G आ गया। अभी सुनने में आ रहा है कि जनवरी या फरवरी में 6G का भी मैटर होने वाला है। अब जब 6G का मैटर होगा तो 6G फोन आएंगे, तो उनके नेटवर्क कैसे करोगे? अब पहले क्या था सागर सर, पहले सिंगल बैटरी आती थी, सिंगल बैटरी कनेक्टर। अब आजकल के जो फोनों में डबल बैटरी कनेक्टर आ चुकी है। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो अपग्रेड तो हर किसी को होना पड़ेगा। अब अपग्रेड आप किस माध्यम से हो रहे हैं वो तो आपको पता होगा, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जो भाई इंस्टीट्यूट के पास में अवेलेबल हैं, वो नई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो हार्डवेयर है या कुछ भी है, तो आपको अपडेट तो होना पड़ेगा। अब ये भैया हैं जैसे बता रहे थे कि मैं 5 साल से काम कर रहा था लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा या कोई दिक्कत होती थी कहीं कहीं? दिक्कत होती थी सर, क्योंकि जब भी मैं फोन बना रहा था तो उसमें लाइन ट्रेस करना थोड़ा दिक्कत होती थी, क्योंकि अंदाजे ही काम करना है। तो आपको गुस्सा भी तो आता होगा कभी कभी, ऐसे कि कस्टमर दुकान से वापसी जा रहा और वो वापसी जाके वही फोन किसी और से बनवा रहा है, और उसने बन में आए सर यहाँ पर, क्योंकि मेरे एक दूसरा एक बंदा दूसरे की दुकान पे देके वो बना लिया, तो मैंने बोला तेरे से नहीं हो रहा है फोन, तो किसी से मतलब बुरा लगा। सर को मैं वीडियो देखा, हाँ। फिर ज्वाइन करने के लिए अच्छा। अभी कर सकते हैं लाइव ट्रेस, अभी तो चेकिंग कर सकते हैं, चेकिंग ट्रेस सब कुछ कर सकते, सारा को लाइव बताते हैं। अभी मैं एक दो भूमि बना ले बना के रखा। अच्छा, घर से फोन लेके आए थे, फोन बनाने सागर सर का जो हैंड प्रैक्टिस है ना बहुत अच्छा, वो वन ट्रिक की काम होता है इनका सर, एकदम एक शॉट में। अभी तो ट्रिक पता हो गया। अच्छा, तो कुछ दिक्कत नहीं है, ड्यूअल टेकर, ब्लैक पेस्टर, व्हाइट पेस्टर सब कुछ हो जाता है एक ही शॉट में। पहले तो करता था लेकिन उसका अंदर का प्रिंट निकल जाता था, कुछ दिक्कत नहीं है। तो मतलब कई बार किसी कस्टमर के फोन भी खराब किए होंगे? हो गया सर, वो तो लेकर भी आए हैं बनाने के, तो बना दूंगी। कहाँ से हो? उड़ीसा से। उड़ीसा वाले वाले भैया को क्या बोलोगे आप? हाँ, यहाँ तो आना पड़ेगा उनको, क्योंकि उसी का तो काम तो अच्छा नहीं कर पाते, अपडेट होना पड़ेगा। हाँ, अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी उस दुकान से दे जाता लेकिन मेरे भी फोन खराब करके छोड़ दिया। तो मैं चाहता हूँ यहाँ आके थोड़ा तो नॉलेज लेना पड़ेगा सर, अपडेट हो जाओ। हाँ। कस्टमर के फोनों को खराब मत करो, सही होता तो करो, अगर नहीं होता तो नॉलेज ले लो, कहीं से भी ले लो, तो अपडेट तो भाई होना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है सर, आप बैठिए। ओके।